गवर्नर साहब का यह प्रेरोगेटिव ही है नहीं कि वो आप उधर जाके ते विजिट करन ते नाल चीफ सैकटरी में लै जान ते नाल डीजीपी में लै जान ते वो बॉर्डर का दौरा करन। वो कोई चीफ मिनिस्टर थोड़ी ने। क्या उन्होंने स्टेट ने एडवाइज किया तुसीं जाओ बॉर्डर ते जाके मायने करो ये स्टेटमेंटा दो। ये पिछे कोई मंशा हो सकती है, सेंटर सरकार भी हो सकती, क्योंकि तुनका तो उतो खिंचा जाता कि तुसीं जाओ थोड़ा जिहा इन्हां बदनाम करो, सरकार नूं बदनाम करो। साडी स्टेट तो पहले ही डिस्टर्ब हो, सानू होर क्यों लगे डिस्टर्ब करना। इलेक्शन लड़ के MLA बनो, फिर 25-25 करोड़ जिवें कहंदे असीं खरीद रहे हैं, खरीदो तो फिर तुसीं चीफ मिनिस्टर ही बन जाओ। तो हुण गवर्नमेंट पर डिपेंड करता उन्हां दा की रिएक्शन है गवर्नर साहब नूं लैके, जां पार्टी का की रिएक्शन है, जां आम आदमी पार्टी का की रिएक्शन है। आम आदमी पार्टी का तो बोलिया ही कोई नहीं। आम आदमी पार्टी तो अपने आप ही टुटती जा रही, अपने उन्होंने टुटन की जरूरत ही नहीं पैनी, इन्हों तो अपने आप ही टुट जाना। ये जोड़े कहते बदलाव लियानी तो पंजाब बदलाव लियावे तो आह करा तो आह करा, इन्होंने तो भाई साहब लुटमारा शुरू भी कर दित्तियां। जोड़े पुराने से वो तो लुटमार कर करके रजे सी, भुखे नंगे सारे खड़े करते। इन्होंने बादलों तक आना है, अमरिंदर तक आना है, तो सादा पंजाब तो फिर ये लुट के लै जाएंगे। तो बदलाव क्या है? जोड़े कभी तहसीलदार के ऑफिस नहीं जाते वो कैबिनेट मंत्री बन गए, जिन्होंने कभी DC का ऑफिस दस्या देखा तक नहीं वो कैबिनेट मंत्री, उन्होंने तो की तवक्को करते तुसीं? राघव चड्ढे को की अधिकार है कि चीफ मिनिस्टर बैठा है, इलैक्टेड सरकार है, तू सरकार का कोई मैंबर है नहीं, तू राज्य सभा तेनों भेजा दिल्ली, और तू चेयरमैन दीयां मीटिंगां बुला रहा है। चेयरमैन दीयां मीटिंगां जिन्हें चेयरमैन नामजद किए उन्होंने सारे तू मीटिंग बुला रहा है। तेनों की अथॉरिटी है? तू किड्डा गुणी ज्ञानी, किड्डा को पढ़िया लिखा जिहड़ा तू उन्होंने गाइड करेगा। असी हरियाणा जितना, असी गुजरात जितना। मैं तो मेरी तो यही बेनती हिमाचली हो, हरियाणे वाले हो, असी तो गए जे लुटे तो तुसीं बच के रहा जे। दुनिया का सब तो झूठा बंदा अगर लभना होए तो वो प्राइम मिनिस्टर साहब ने, मोदी साहब। लेकिन केजरीवाल उन्होंने मतलब बहुत पिछे छड़ गए। ये सरकार ही झूठा नाल चला रहे हैं। पंजाब कीता कब्जा तो झूठ मार मार के कीता, तो जे गुजरात करना चाहते तो पंजाब का झूठ मार के उत्थे करना चाहते हो। देखो मैंने पंजाब में क्या कर दिया, वो जान के सिंगलर उन्होंने अंदर दिता, जान बुझ के मिली भुगत नाल उन्होंने अंदर दिता। बादल लेंदे सी मंत्रियां हवेलियां तो, वड्डे वड्डे होटलों तो, वड्डे वड्डे कारोबारियां तो, इन्हों का कंजर दुकानों तो मंथलियां मंगलियां शुरू करती। तो शाह जी आ गुल खिलारे जा रहे हैं। तो साल बाद 2 साल बाद की होगा, तो जो आखिरी साल रह गया तो इन्हों तो सारा पंजाब ही लुट लेना। आ गई इलैक्शन अपन 100-100 करोड़ चाहिए। TV84 इंडिया के नाल जुड़े हो, मैं रजिंदर सिंह सबरा। मौजूदा समय दे विच पंजाब के अंदर सत्ता परिवर्तन होया है, आम आदमी पार्टी का समा काल है, पर दूजे पासे पंजाब के राजपाल बहुत वड्डा बयान दे के जाते हैं। पंजाब के सरहदी इलाके नूं लैके आम आदमी पार्टी के मुख्य नुमाइंदे मानयोग CM भगवंत मान, वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा के समेत अरविंद केजरीवाल गुजरात के इलाकों के चोण प्रचार करते हैं, पर उन्होंने गैर मौजूदगी के राजपाल बहुत वड्डी स्टेटमेंट देंदे ने कि जिहड़ी नशा तस्करी हो रही है जां जिहड़ियां होर अणसुखावीआं घटनावां सरहदी इलाके दे विच वापरियां, तां इहदी मुख्य तौर ते पंजाब पुलिस के नाल मिली भुगत है। पिछले समय के दरम्यान असी देखा कि जिहड़ा BSF का पैरामीटर सीगा, कहने तो भाव कि जिहड़ा उन्हां दा दायरा सीगा वो वधाया गया। तो मौजूदे समय दे विच इस तरीके दे बयान देना जां पंजाब नूं लैके होर तमाम मसले ने, धार्मिक ते राजनीतिक तमाम पक्षां बारे गलबात करांगे। साडे नाल गलबात करन वास्ते कैप्टन चनन सिंह सिद्धू जुड़े ने, उन्हां दे नाल गलबात कर लैणे। स्वागत है जी सब तो पहलां ਰਜਿੰਦਰ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਪ੍ਰੋਹਿਤ ਲਾਲ ਮਨਵਾਰੀ ਜੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ, ਪਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਕੀ ਸਮਝਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਜਦੋਂ CM ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਹੋਰ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਦੇ ਹੋਣ, ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਹੈ ਉਹ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹਾਜ਼ਰ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੌਰਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਨੂੰ किस संदर्भ दे विच समझिया जाए? पहली गल तो है कि जिहड़े गवर्नर साहब का ये प्रेरोगेटिव ही है नहीं कि वो आप उधरे जाके ते विजिट करन ते नाल चीफ सैकटरी में लै जान ते नाल डीजीपी में लै जान ते बॉर्डर का दौरा करन। वो कोई चीफ मिनिस्टर थोड़ी ने, उन्होंने कोई एडमिनिस्ट्रेटिव पावर थोड़ी है। वो तो एज ए गवर्नर जब तक जो इलैक्टेड स्टेट गवर्नमेंट हैगी तो वो तो मतलब उन्होंने कोले तो कोई पावर होंगी नहीं। वो तो स्टेट की एडवाइस नाल चलते हैं। क्या उन्होंने स्टेट ने एडवाइस किया तुसीं जाओ बॉर्डर पर जाके मैने करो स्टेटमेंटा दो? नहीं, वो अपना जिहड़ा ओवरस्टैप कर रहे हैं अपनी जिहड़ी पावर ने। और ये पिछे कोई मंशा हो सकती है सेंटर सरकार की, हो सकती क्योंकि तुनका तो उतों खिंचा जाता कि तुसी जाओ थोड़ा जिहा इन्हां नूं बदनाम करो, सरकार नूं बदनाम करो। ये चीफ मिनिस्टर साहब इत्थे नहीं हैगे ते बनवारी लाल जी का तो कोई हक ही नहीं बनता कि वो दौरे पर भी चला जाए और स्टेट के दौरे करे। और फिर ऐसे उल्टे सीधे बयान दे कि पंजाब पुलिस इन्वॉल्वड है तो डी जी पी नाल बैठा है। डी जी पी नूं तुसीं नाल ले के डी जी पी नूं वैसे कह दिओ। ये बयान देना बड़ी वड्डी गल है कि सारी पंजाब पुलिस नूं तुसीं इन्वॉल्व कर लो। देखो पुलिस इन्वॉल्व हो सकती है लेकिन समूची पुलिस नूं तुसीं इन्वॉल्व कर लेना। मैं तो कहना जिहड़े साडे डी जी पी साहब ने एट प्रेजेंट वो बहुत अच्छा काम कर रहे, बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं। मैं तो एक दिन सोचता सी भी 8-10 डी जी पी वर्गे बंदे होर लभ लेवे, डी जी पी साहब जे लभ लैन तो साडे पंजाब का काफ़ी भला हो जाए। इन्ना तो सरकार भी नहीं कर रही तो वो फिर तुसीं उन्हां नूं विचे उन्हां नूं बिठा के कोल ते उन्हां दे कह दिओ कि पंजाब पुलिस जिहड़ी इन्वॉल्वड है सारे काम 'च। ये तो बड़ी हासोहीन गल है, बड़ी माड़ी गल है, नहीं सी होनी चाहिए। इस बयान के नाल जिहड़ी पंजाब पुलिस है कितने ना कितने सवालों के घेरे दे विच नहीं आ जाती, वड्डे सवालिया चिन्ह लग जाते हैं। मैं तो पहले ही कहा कि तुसीं सारी पुलिस नूं इन्वॉल्व करता। पंजाब पुलिस देखो सारे का दुध धोते नहीं ना हो सकते, इन्वॉल्व हो सकते हैं लेकिन समुची पुलिस फोर्स नूं तुसीं ते डी जी पी साहब तुहाडे नाल ने। और जो डी जी पी साहब काम कर रहे हैं अज तक किसी डी जी पी ने किया नहीं। वन मैन शो है ना अजे तो, बाकी तो वही पुलिस है ना। तो इस करके तुसीं सारे नूं इन्वॉल्व करना या तो पिन पॉइंट करो, जेडे इन्वॉल्व ने उन्होंने तो कोई एक्शन नहीं हो रहा। उन्होंने तो FIR भी हुई तो उत्थे भरोत क्यों नहीं बोलता? उन्होंने ना लेके बोलना चाहिए फलाना DIG फलाना फलाना फलाना। जेडे इन्वॉल्व ने लिखे चीफ मिनिस्टर नूं चिट्ठी ऑन रिकॉर्ड लिया चीफ मिनिस्टर नूं लेके कि तुसीं एक्शन क्यों नहीं लै रहे भाई? फिर तो मैं गल करना कि गल सुधारां वाली है लेकिन पॉलिटिक्स खेडनी, BJP की पॉलिटिक्स इत्थे खेडनी वो माड़ी गल है कि साडी स्टेट तो पहले ही डिस्टर्बड है, सानूं होर क्यों लगे डिस्टर्ब करन? तो इस करके मैं नहीं चाहता, मैं मेरे दिलों मैं चाहना कि ये माड़ी गल हुई है। ये सारे नूं इन्वॉल्व करना जिहड़ा माड़ी गल है और इन्हां नूं वैसे जाना ही नहीं चाहिए। जब तक स्टेट ना कहे जाओ जी गवर्नर साहब, स्टेट तो अप्रूव कराना पैंदा है गवर्नर का कोई भी दौरा होए क्योंकि सारियां सहूलतां तो स्टेट ने प्रोवाइड करनी है। तुसीं अपने आप ही दौरा बना लो, अपने आप ही चला जाओ, अपने आप ही चीफ सैकटरी नाल ले जाओ, अपने आप ही DGP नाल ले जाओ, चीफ मिनिस्टर इत्थे है नहीं तो फिर इलेक्शन लड़ लो। इलेक्शन लड़ के MLA बनो, फिर 25-25 करोड़ जिवें कहते अहीं खरीद रहे हैं खरीदो तो फिर तुम चीफ मिनिस्टर ही बन जाओ, फिर गवर्नर ही छड्डो ना। तो गवर्नरी जे करनी है तो आराम नाल बैठो, अपना रोटी पानी खाओ तो 5 साल प्रभु के गुण गाओ तो जाके भाषण किया असैंबली तो वापस आ गए। दैट्स ऑल। सो ठीक है, तो हुण गवर्नमेंट पर डिपेंड करता उन्हां दा की रिएक्शन है गवर्नर साहब नूं लैके, जां पार्टी का की रिएक्शन है, जां आम आदमी पार्टी का की रिएक्शन है। आम आदमी पार्टी का तो बोलिया ही कोई नहीं, बोलना तो उन्होंने चाहिए। जे आप पिछले समय तो देखा जाए तो जिस तरीके दे नाल तुसीं भी जिक्र किया कि जिहड़ा ये बयान देना, इस तरह की स्टेटमेंट देना किसी सूबे नूं लैके, जिहड़ा राजपाल हुंदा वो सूबे की मां मन्निया जांदा, पर जदों इस तरह के बयान उस राजपाल वालों दिते जाण तां एक खास अहुदे वाली शख्सियत किते ना किते बहुत वड्डे सवालों के घेरे दे विच आ जाती है कि जिहड़ी तुसीं गल कहने उहदे बारे लोकां नूं स्पष्ट करना। पर दूजे पासे देखा जाए तो आम आदमी पार्टी की गैर मौजूदगी दे विच इह जिहड़ा बयान सी एक तरह दे नाल इह वी मन्निया जांदा कि बहुत हासोहीन है। तो दूजे पासे जिहड़ी भाजपा की नीति है पंजाब के लोकां नूं लैके किस तरह की है, जिहड़ी एक नवीं पार्टी सत्ता विच आई है तो किते ना किते उहनूं ये भी कहा जा रहा है कि जिहड़ी आम आदमी पार्टी है उन्होंने तोड़न के यत्न किए जा रहे हैं। आम आदमी पार्टी के मुख्य नुमाइंदों वालों भी बहुत वड्डे इल्ज़ाम तराशियां लाइयां जा रही हैं। देखो जी आम आदमी पार्टी तो अपने आप ही टुटती जा रही है, अपने उन्होंने तोड़न की जरूरत ही नहीं पैनी। ਇਹਨਾਂ ਦਾ अपने आप ही टुट जाना। जो कारगुजारियां ये करन लगे हुए ने और जिवें इन्हां दे कारनामे बाहर आ रहे हैं 6 महीनों के विच ही तो अपने आप ही टुटे लोए। तो जिवें इन्हां नूं लोकां ने घेरना भी शुरू कर दिता है तो ये जिहड़े कहंदे सी असीं बदलाव लिआउणी ते पंजाब 'च बदलाव लिआवांगे ते आह करांगे ते आह करांगे, इन्हां ने तां भाई साहब लुट्ट मारां शुरू भी कर दित्तियां। जिहड़े पुराने सी ओह तां लुट्ट मार कर करके रज्जे सी तो ये भुखे नंगे सारे खड़े करते। तो इन्होंने बादलों तक आना है, अमरिंदर तक आना है तो सारा पंजाब तो फिर ये लुट के लै जाएंगे। तो बदलाव क्या है? कल्ला भगवंत मान तो बदलाव नहीं लै सकता, नाल बदलाव वाली टीम चाहिए सी ना। तो टीम तो सारी करप्ट सिलैक्ट की। हुण सानूं पता लग रहा किहड़े MLA ने, किहड़ा माजरा है तो किहड़ा फलाना माजरा है तो किन्ने माजरे ने तो की करी जा रहे हैं, की उन्होंने कारनामे हो रहे। सारिया पार्टियां दे विच करप्ट लोग मन्ने जांदे ओ, नुमाइंदे रहे ने सरकार दे। तां भगवंत मान जे वो खुराक दे लई दे नाल चलदे ने, पंजाब दे लोकां वास्ते वफादार ने, तो की लगदा है कि इन्हां लोकां नूं उलांभे नहीं कीता जा सकदा मान साहब वल्लों? मान साहब अगर स्टैंड लैण उन्हां नूं की मजबूरियां ने, उन्हां दे की पिछे हथ बन्ने होए ने, की उन्हां नूं खिच्चिया जा रिहा है। जिहड़े काबल बंदे सी ओह तां मंत्री बनाए ही नहीं, एक दो नूं छड्ड के पुराणियां चों ओह तां मंत्री ही नहीं बनाए। मंत्री तो वह बनाए ने जिन्हों का कभी किसी ने ना तक नहीं सुनिया। पहली बार MLA बन गए तो कैबिनेट मंत्री बन गए। जिहड़े कभी तहसीलदार के ऑफिस नहीं जाते वो कैबिनेट मंत्री बन गए। जिन्हों ने कभी DC का ऑफिस दस्या देखा तक नहीं वो कैबिनेट मंत्री। उन्होंने तो की तवक्को करते तुसीं? की तवक्को करते उन्होंने तो? जिहड़े कभी थाणे नहीं वड़ सकते वो कैबिनेट मंत्री बन गए। और कोई क्वालिफिकेशन होनी चाहिए भरा, कैबिनेट मंत्री बनना, तुसीं सरकार चलानी, स्टेट की सरकार चलानी। इन्होंने सोचा भी इन्हों बना लो तो राघव चड्ढा इतने मतलब चलाई जाएंगे सरकार, बना के मुखौटे इन्हों बना के रखो तो पिछे बिठा दो राघव चड्ढे नूं ते मैं केजरीवाल, मैं तो बैठा ही हाँ, मैं सारी सरकार जी दिल्ली तो चलावांगा। लेकिन लोग नहीं चलाउण दिंदे राघव चड्ढे वर्गियां नूं। लोगों ने अपोज करता, अज तक नोटिफिकेशन नहीं हो सकी राघव चड्ढे की। राघव चड्ढे नूं की अधिकार है कि चीफ मिनिस्टर बैठा है, इलैक्टेड सरकार है, तू सरकार का कोई मैंबर है नहीं, तू राज्य सभा तेनों भेजा दिल्ली और तू चेयरमैन दीयां मीटिंगां बुला रहा है। चेयरमैन दीयां मीटिंगां जिन्हें चेयरमैन नामजद किए उन्होंने सारे तू मीटिंग बुला रहा है। तेनों की अथॉरिटी है? तू किड्डा गुणी ज्ञानी, किड्डा को पढ़िया लिखिया जिहड़ा तू उन्होंने गाइड करेगा? तो तू फिर भगवंत मान नूं की समझ रहे जी तुसीं भी तुसीं मीटिंगां बुला रहे तो चीफ मिनिस्टर नूं पता तक नहीं हैगा जां चीफ मिनिस्टर नूं पुछिया तक नहीं जा रहा। तो ये तो कहते असी हिमाचल जितना है, असी हरियाणा जितना है, असी गुजरात जितना है। मैं तो मेरी तो यही बेनती हिमाचली हो, हरियाणे वाले हो, असी तो गए जे लुटे तो तुसी बच के रहा जे, तुसी ना बर्बाद हो जाए जे किते। केजरीवाल साहब गुजरात में जाके कहते कि जिस तरह पंजाब के 1000 रुपया दिता गया तो इस तरह गुजरात वाले नूं दिता जाऊगा। तो की लगता कि जे पंजाब दीआं औरतां नूं तो मिलिया नहीं तो पर जमीनी पद्धर ते सच्चाई कुछ होर है, तो इस तरीके दे नाल दावे करने तो इस गल नूं किवें मन्निया जावे? पहला रजिंदर सिंह जी असीं कहंदे सी दुनिया का सब तो झूठा बंदा अगर लभना होए ते वो प्राइम मिनिस्टर साहब ने, मोदी साहब। लेकिन केजरीवाल उन्हां नूं मतलब बहुत पिछे छड़ गए। जे 100 चो नंबर देने होन तो मैं प्राइम मिनिस्टर साहब नूं 50 नंबर देना तो केजरीवाल नूं 100 देना। ये सरकार ही झूठा नाल चला रहे हैं। पंजाब कीता कब्जा तो झूठ मार मार के कीता, तो जे गुजरात करना चाहते तो पंजाब का झूठ मार के उत्थे करना चाहते हैं। देखो मैंने पंजाब में क्या कर दिया, वो जान के सिंगला उन्होंने अंदर दिता, जान बुझ के मिली भुगत नाल उन्होंने अंदर दिता, ताकि सारी दुनिया जखी मैसेज भेजिए देखो जी कैबिनेट मंत्री ढंग था। हुण वह कहता कराओ मेरे बरखला दो सबूत, एक नवा भी मैं खादा हो पैसा खादा हो। हुण जिन्हां दे सबूत आ गए ने उन्हां दे दसो की एक्शन लैंदे जे। केजरीवाल साहब नूं चाहिदा सी उस वेले परचा दे के उन्होंने अंदर देंदा। वो जिहड़ा मंत्री है फिरोजपुर वाला उन्होंने तो 15 मिनटां अंदर दे देना चाहिदा सी। फिर सिंगले वाल तू फ्रॉड मारिया ना साडे नाल, निजी खुंदक सी कोई ओहदे नाल? नहीं निजी खुंदक नहीं, इमेज बनाउणा। सारी वर्ल्ड दे विच अपना इमेज भेजना। जदों उसे करप्ट बंदे नूं अपनी कैबिनेट दे विच बिठा लिया जाता फिर उदों जी इमेज जी फिर खराब क्यों ना हुई? नहीं नहीं देखो हुण उस बंदे नूं वापस फिर उत्थे बिठाया, वो वापस सारा काम धंधे आप करता, वो सारा पूरे MLA दे बोर्ड दीयां मीटिंगां जांदा, डिवेलपमेंट बोर्ड दीयां मीटिंगां जांदा, MLA उहदे नाल मंत्रियां दे नाल बैठा हुंदा है। तो असीं तां इह पुछना चाहुंदे हां कि जदों तां वो तुसीं कह दिओ आडियो तुहाडे कोल है उहदी ते आडियो ते असीं उहनूं अंदर देता, पर आ जिहड़ी आडियो सारी दुनिया 'च चल रही है उहनूं क्यों नहीं अंदर दिंदे? हाँ जी एक अपना पठान माजरा के केड़ा माजरा जरा अपनी दो विआह करा के हरमीत सिंह ओनू कुड़ी नूं ही उल्टा उहदे ते परचा देता, वो हाई कोर्ट 'च फिरदी है। एक तो तुसीं गुंडागर्दी करदे जे, एक तुसीं सारे ला जिहड़े ने वो छिक्के ते टंग दिंदे जे, पहला डिवोर्स नहीं होया दूजी मैरिज नहीं करा सकदे तुसीं, तुसीं दसदे ने 420 का परचा हुंदा है, होर पता नहीं किन्ने परचे हुंदे ने, रेप का परचा हुंदा है, की हुंदा है, उहनूं करन दी बजाय तुसीं कुड़ी ते परचे दिंदे जे। एक आइलेट वाली कुड़ी के पिछे पिया MLA, वो कहता मैनू मंथली दिया कर, वो बादल लेंदे सी मंथलियां हवेलियां तो वड्डे वड्डे होटलों तो वड्डे वड्डे कारोबारियां तो, इन्हां दा कंजर दुकानां तो मंथलियां मंगलियां शुरू करतियां। इन्हां दा दुकानदार तो जिहड़ा रोटी खांदा मंथली दे बई सानू, उत्थे चार बंदे पहुंच जांदे आ। हाँ जी वो आइलेट चलाउण वाली कुड़ी दे परचे देते, हो सकता उहदे 'च कोई खराबी हो सकती है, सानू नहीं पता कि असीं उहदे बारे ज़्यादा नहीं जानते, लेकिन तू उहनूं आपदे ऑफिस क्यों बुलाया? तू आपदे बंदे क्यों भेजे उत्थे? तुहाडी रिकॉर्डिंग है सारी, तुसीं उत्थे मंथली क्यों मंगी? सानू लाख रुपया दे दिया कर महीने का तो मौजां कर जो मर्जी कर, मतलब फिर सारा पंजाब लुट लवे वो। जे तुहानूं नहीं देंदी तो तुसीं उहदे ते परचे रजिस्टर करो, उहदा बिजनेस बंद कराता। फिर की समझा जाए जिस तरह भी कहा जाता कि कांग्रेस जां अकाली दल गुंडागर्दी करते सी, इसे तरह फिर हुण आप वाले भी गुंडागर्दी करन लग गए नहीं, उन्होंने तो अगे निकल गए 4 कदम अगे ने। अजे तो अगे देखो 2-4 महीने होर की होंदा इन्हां दा, अजे तो शुरुआत हुई है ना, एक्सपोज होने शुरू हुए है, तो अजे 5 महीने हुए, 5.5-6 हो गए हुण, 13 तरीक नूं 6 हो गए कल, तो 6 ही आ गुल खिलारे जा रहे हैं। तो साल बाद 2 साल बाद की होगा, तो जो आखिरी साल रह गया तो इन्होंने तो सारा पंजाब ही लुट लेना, आ गई इलैक्शन अपन 100-100 करोड़ चाहिए, फिर तो सारा पंजाब ही लुट जाएंगे। कैप्टन साहब एक होर वड्डा सवाल है तुहाडे नाल साझा करना चाहना, तो यह भी चर्चा बनी हुई है कि जिहड़ा लुधियाना यूनीवर्सिटी का VC हैगा वो हरियाणे तो लगा दिता गया है, तो जिहड़ियां एक नवीं जॉब्स क्रिएट कीती गईयां तो वो जिहड़ियां ने उहदे विच पंजाब दे विद्यार्थियों के नाल हरियाणा के राजस्थान के लोगों को पा दिता गया, उत्थों के विद्यार्थी पा दिते गए। की लगता है कि जे पूरी तरह के नाल पंजाब के नौजवानों को रोज़गार नहीं मिलता तो फिर CM भगवंत मान कहते सी रंगला पंजाब बनावांगे, वो रंगला पंजाब फिर किवें बनूगा जे नौजवानों को पंजाब के लोगों को नौकरियां नहीं मिलदियां? ते देखो असीं तां पहलां कहंदे सी केजरीवाल RSS की B टीम है, और वो RSS का दबदबा इत्थे बनाउणा चाहुंदा। साडी पंजाब यूनीवर्सिटी RSS दे वाले है, तुसीं कहंदे उत्थे भी जे लाता, लुधियाणे 'च भी लिया के RSS का बंदा लाता, बाहरों लिया के VC बनाता, तो वो भी देख लो फिर पंजाबी यूनीवर्सिटी 'च ये होएगा, गुरु नानक यूनीवर्सिटी 'च ये होएगा। आने वाले वाइस चांसलर केजरीवाल साहब के कहने नाल बनणगे, भगवंत मान दे तक बनना नहीं, तो जे केजरीवाल दे नाल कहणगे तो आर्या समाजी बनणगे। ये तो मतलब यह है कि अजे तक तो साडा असीं समझदे जिहड़ा रंगला पंजाब तां छड्डो, सानूं तां पंजाब दा जिहड़ा भविष्य खतरे 'च नज़र आ रहा कि हुण पंजाब दा बनेगा की, सानू समझ नहीं आ रही की बनेगा पंजाब तेरा, पंजाब दा बनेगा की? ये तो इन्हां दा पंजाब दा छड्डना ही कख नहीं, असीं पहलां ही लुटे खुटे पए सी, ते इन्हां ने पंजाब नूं खत्म ही कर देना। पानी पीण नूं पानी नहीं हैगा, सारा कैंसर ही कैंसर वग रहा, धरने लगे हुए ने, थां थां ते धरने लगे हुए ने, उधर किसी का कोई ध्यान ही नहीं। आपकी इंपोर्टेंस बनाते हैं, सानू 25 करोड़ की ऑफर आ रही है, सानू 20 करोड़ की ऑफर, आपे ही आपकी इंपोर्टेंस बनाई जाते हैं। अरे तुसी एडमिनिस्ट्रेशन ने ध्यान दो, तुसी जिहड़ा तुहाडे काम वास्ते तुहानू चुनिया ना लोगों ने, तुसी उधर ध्यान दो। हर जगह ते देखो तुसी किते भी तुहाडा जिहड़ा अज तुसी गड्डियां रजिस्टर कराणियां 2-2 महीने गड्डी नहीं रजिस्टर हो रही, रजिस्ट्रियाँ नहीं हो रही। ये तो थोड़ा ध्यान ही है नहीं। अगर तुसी कोई एक्शन लेना है तो पहला फूल प्रूफ मैथड तो तैयार करो। अरेस्ट करना आरटीओ करो, वो जगह तो नैक्सट डे अपॉइंट हो जाना चाहिए, चल भी काम शुरू कर दे, क्योंकि सारे पंजाब से काम बंद हो गया। मेरी अपनी गड्डी पर्सनल गड्डी 1.5 महीना हो गया रजिस्टर नहीं हुई, हुण खुले जे दफ्तर। की करोगे तुसी? ये रंगला पंजाब बन रहा तो भजे फिरते गुजरात तो भजे फिरते हिमाचल। वो नीति है कि पंजाब मॉडल, हुण पहला दिल्ली मॉडल नाल पंजाब जित लिया, हुण पंजाब मॉडल नाल गुजरात जितनगे। तो मैं जाऊँगा गुजरात, मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस होल्ड करूँगा, मैं गुजरात भी जाऊँगा, मैं हिमाचल भी जाऊँगा। इलेक्शन अनाउंस होने दो, महीना पहले ही जाऊँगा। मैं दस कहूँगा भरावो अं तो मर गए जी, अं तो लुटे गए जी, साडा तो बदलाव आ गया जे, किते तुसीं ना बदलाव लाया जे। इनू गंद नूं उत्थे रहन दो दिल्ली च, तो या भगवंत मान हिम्मत करे लावे अपनिया खड़ावां खड़ूवां, उंज भी तो तेनों ला ही देना इन्होंने। सीधा पब्लिकली प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आ जाओ, असं तो पंजाब, असं तो पंजाब ही पंजाब वाले चलावांगे, असं नहीं तेरिया बेड़ियां बुड़ियां मानते, असं नहीं पंजाब नूं तेनों आरएसएस दे हवाले करन दे। अजे तक किसी सीएम ने हिम्मत की है कि वो दिल्ली के सामने कोई बागीपुना दिखा सके? हिम्मत जे हिम्मत तो तुसी तां करो जे तुसी काने ना हो। जे तुसी अमरिंदर सिंह को 10-10 हज़ार करोड़ 15-15 हज़ार करोड़ रुपया इकट्ठा करना, तो तुसी किवें तुहाडी की हिम्मत तुसी दिखा दोगे? तुसी तां पैर फड़ोगे ना जाके, हुण भी गोडे पैर फड़दे फिरदे ना। ते जिन्हें जिन्हें लैना देना कख नहीं, तो उहनूं की जरूरत है दिल्ली की हिम्मत छड्ड के जो मर्जी करिओ। हिम्मत है तो बिहार चीफ मिनिस्टर ने करके दसता देंगे तेने कि सालो मैनू भी तुम डेगन लगे जे, मेरी पार्टी खत्म कर लगे जे। हाला पंजाब के लोगों के मना दे विच एक आस की किरण जागी सी कि जिहड़े पंजाब के मुख्य मसले आ, बेअदबियां का मसला सी, कोटकपूरा गोलीकांड होया उहदा मसला सी, बेरोज़गारी का मसला सी, इहदे नाल जुड़े हुए तमाम मसले सी। तो किते ना किते इस तरह प्रतीत हुंदा कि जिवें आम आदमी पार्टी उन्होंने मसलों का जिहड़ा सुचज्जे तरीके दे नाल हल करती नज़र नहीं आती। तो की लगता है कि हुण एक चौथी धिर रह गई है, भाजपा की गल की जाती है, आने वाले समय दे विच जां मौजूदा समय दे विच जिस तरीके दे नाल वड्डे वड्डे अपने आप नूं दिग्गज आगू कहाउण वाले उन्हां दी पार्टी दे विच शमूलीयत करते नज़र आ रहे हैं, आने वाले समय दे विच भाजपा नूं मौका दिता जा सकता है पंजाब दे लोकां दे वल्लों? भाजपा अगले जन्म च भी पैदा होकर आ जाए तो भी नहीं देते। किहड़े किहड़े दिग्गज आगू जा रहे हैं जिन्होंने लोगों ने रिजैक्ट करके छोड़ दिता है? अमरिंदर सिंह जा रहा है, जिन्होंने लोगों ने जीरो करके सुटिया वो जा रहे हैं, जिहड़े ईडी तो डरते हैं वो जा रहे हैं, जिन्हें हज़ारां लखां करोड़ों की हेराफेरी की वो जा रहे हैं, वो जा रहे हैं। जिन्होंने पता भी कल नूं मेरे ईडी ना आ जाए तो उन्हां दी पंजाब च वकत की है? लोगों ने तो ऑलरेडी उन्होंने नकार के खत्म किया हुआ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਭਾਵੇਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਭਰਤੀ ਕਰ ਲਏ। ਜਦੋਂ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ 'ਚ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੋਇਆ, ਉਹਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਕਾਰਨ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਅਲਾਇੰਸ ਕਰ ਲਈ। ਉਹ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜਿਹਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬੱਚਾ ਬੱਚਾ ਨਫ਼ਰਤ ਮਾਰਦਾ ਸੀ, ਦੱਸੋ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿੱਥੋਂ ਭਲਾ ਕਰ ਦੂ? ਉਹ ਲਾਇਬਿਲਟੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੇ ਗੱਲ 'ਚ ਪਾ ਲਈ, ਅਤੇ ਜੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਲਾਇਬਿਲਟੀ ਪਾਉਣੀਆਂ ਤਾਂ ਭਾਜਪਾ ਕਿੱਥੋਂ ਰਿਵਾਈਵ ਹੋ ਜੂ ਇੱਥੇ? ਭਾਜਪਾ 3-4 ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤਦੀ ਸੀ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦੇ ਸਪੋਰਟ ਨਾਲ, हुण कह दो जी एक भी जित ले। एक वड्डा सवाल सिक्खां दे अंदर है कि एस जी पी सी दीयां चोणां तकरीबन लंबे समय तो नहीं करवाइयां गईयां, तो यह भी मन्निया जांदा सी कि भाजपा दे नालों अकाली दल बादल दा गठ जुड़ टुट चुका है, तो हुण जल्दी दे नाल चोणां करवाइयां जा सकदियां। की लगदा कि यह जिहड़ा गठ जोड़ टुटिया बाहरी तौर ते टुटिया जां फिर अंदर खाते उसे तरह दे नाल गठ जोड़ बनिया होया? गठ जे पहले तां आपां श्रोमणी कमेटी दीयां चोणां ते आ जाओ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਬਜ਼ ਬੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਆਪਦੇ ਚਮਚੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਚਮਚੇ। ਔਰ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਦਲ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ, ਤੇ ਉਹ ਕਰਾਉਂਦੇ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਜਿਤਾ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਬਾਦਲ ਏਰਾ ਹੈ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਦਲਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਬਾਦਲ ਮੀਨਸ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਗਾਲ ਦੇਣੀ ਹੈ। आपदे आप नूं बादल कहना, सिखां नूं गालां देणियां, और इस करके उन्हां नूं बादलां ते कोई इतबार नहीं रह गया कि भी जे असीं इलैक्शनां करातीआं ते जद तक कोई नवां लीडरशिप नहीं उभरदी और वो लीडरशिप जिहड़ी उन्हां नाल अलायंस करके चले उन्नी देर तक श्रोमणी कमेटी ने इलैक्शनां नहीं कराउणगे। वो चाहणगे कि श्रोमणी कमेटी इलैक्शनां करा दी ते जिहड़े बागी हो के ते श्रोमणी कमेटी मीनस बहुत वड्डी ताकत, पंजाब दी चीफ मिनिस्ट्री नालों वड्डी ताकत। श्रोमणी कमेटी अगे पंजाब दी चीफ मिनिस्ट्री तक कख भी नहीं, जिथों तक कंट्रोल है सिखिज़म ते, सिखी ते, उस करके मैं कह रहा तो वो सिखां ते कंट्रोल करन दा एक जरिया उन्होंने बादलों नूं बना रखिया सी ते बादलों थ्रू वो सिखां ते कंट्रोल करदे सी। वो काम खत्म हो गया, इरा खत्म हो गया, तो उन्होंने होर कोई लभ नहीं रहा तो क्यों कराउण इलैक्शन? बिल्कुल नहीं कराउंदे। पिछले दिनी जथेदार, कुर्बानी वाले जथेदार मन्ने जाते ने भाई रणजीत सिंह, घट गिनती कमिशन के चेयरमैन ने, लालपुरा साहब उन्होंने घर के जाते ने, उन्होंने सेहत याबी बारे पता करके आते हैं तो कितने ना कितने भी क्यासराइयां लाइया जा रही ने कि जथेदार साहब भाजपा के नाल नेड़ करते नज़र आते हैं। ये नेड़ हो जाता फिर चोणां हो सकती हैं। जे उन्होंने ये यकीन हो गया कि ये जथेदार अगे ला के असीं जित सकने हैं तां ऐ तो अपने दमदमी टकसाल के मुखिया भी जाते हैं दिल्ली, वो भी मिलते है। देखो जी सरकार है थोड़ी चलती है, असी कहने तुम मिलो, सारे मिलो, जी सद के मिलो, लेकिन जे तो सिखा वास्ते कुछ घट सकते जे फिर तो मिलो, आपके निजी मफादा वास्ते ना मिलो, सिख कौम को वेचन वास्ते ना मिलो। वो भी होम मिनिस्टर नाल गलबात करके आए ने, दमदमी टकसाल के मुखी भी। अच्छा जे तुसी होम मिनिस्टर नाल गल करके आए जे तुसी बंदी सिखां नूं छडा सकदे तुसीं कहना रोज़ मिलो, लिओ छडा के। तो जे तुसी श्रोमणी कमेटी दियां ये नीतियां घड़ के ते कब्जा करना चाहुंदे जे फिर ना मिलो, रब दा वास्ता, जे तुहानूं किसी ने बर्दाश्त नहीं करना। यही मेरी बीजेपी नूं बेनती है सेंटर च कि तुसी लख खेडां खेड लो, कख नहीं जे बनना जद तक तुसीं सिख जिहड़े मुद्दे ने उन्हां नूं तुसीं एड्रैस नहीं करदे और राइट तरीके नाल एड्रैस नहीं करदे, पंजाब दे मुद्दे एड्रैस नहीं करदे, क्योंकि पंजाब दे मुद्दे सिखां दे नाल कनैक्टेड ने, सिख सेंटीमेंट्स दे नाल कनैक्टेड ने, सिखां दीआं भावनावां दे नाल कनैक्टेड ने। भावें वो पाणियां दा मुद्दा है, भावें वो भाखड़ा मैनेजमेंट दा मुद्दा है, भावें वो यूनिवर्सिटी दा मुद्दा है, भावें बुडगाड़ी बेअदबी दा मुद्दा है, भावें साडे बंदी सिंघां दी रिहाई दा मुद्दा है, ये सारे सिख सेंटीमेंट्स नाल इनवॉल्वड मुद्दे ने। एक बारी बह के तुसीं ये मत सोचो कि सानूं फायदा मिलेगा कि सानूं नुकसान मिलेगा, कि भुल जाओ, तुसीं ये मुद्दे एड्रैस कर दिओ, बह के किसी से कोई क्रेडिट ना दो, अपने आप ही कर दो। सिख तो तुहाडे उंज ही मोढियां ते चुकी फिरनगे, तुहानूं इन्हां नूं पता ही लोकां नूं हैगा सिख कौम दी खासियत की है। इन्हां लोकां नूं जे पता होए ना तो इंदिरा गांधी एक अंज भी ना करदी। मैं मिलिया सी वेंकट रमन अपना प्रेजिडेंट ऑफ इंडिया नूं, मान ते NSA लाता सी KPS गिल ने, ते मान साहब ने मैनूं जेल चों चिट्ठी लिखी भी तुसी जाके मैनू NSA लाता तो मैनू NSA तो बचाओ। VP सिंह का ट्रायल ऑफ स्ट्रेंथ सी तो मैं विप लैके गया सी अपने MP नूं कि VP सिंह की आपां मदद करनी है। मान साहब का विप लैके गया सी मैं, तो मैं जाके सारे मिल रहे सी, तो मैं भी टैलीफोन किया तो मैं भी अपॉइंटमेंट लै ली। परमिंदर पिंकी मेरे नाल सी जिहड़ा फिरोजपुर वाला MLA उदों ही साडे नाल हुंदा सी, ये अपॉइंटमेंट लै ली, असी भी जाके मिले और 10 मिनट का टाइम से 22 मिनट मेरी गलबात हुई। 22 मिनट च मैं मान नूं रिलीज़ करवा लिया और मैं उन्होंने समझा दिता कि सिखां वर्गी वधिया तुहानूं कौम नहीं लभ सकदी, तुसीं सानूं ब्रांडेड कर रहे जे एज ए टैरिस्ट। असीं तां आपदी स्टेट दे राइट वास्ते लड़ रहे हैं, असीं तां आपदे मुद्दे वास्ते लड़ रहे हैं, कोई ऐसी टैरिस्ट है नहीं, सिख कभी टैरिस्ट है ही नहीं सी। सिख अगर लड़ता सी तो जो जुल्म होंदे सी जुल्मां दे खिलाफ लड़ता सी, भावें वो हिंदू दे है, भावें वो किसी होर ते है, गुरु साहब के जुल्मां दे खिलाफ लड़े। सिख जुल्मां के खिलाफ लड़ता है। अज भी मैं कहा जुल्मां के खिलाफ लड़ रहे। तुसीं प्रेजिडेंट साहब गोल्डन टैंपल आ जाओ, लखां सिख तुहानूं मोढियां ते चुकणगे, तुहानूं थल्ले नहीं उतर देणगे, कोई सिक्योरिटी ना लैके आयो जी, कोई कोठियां दे आले दुआले गोल्डन टैंपल दे पुलिस नहीं खलारनी, कोई असीं कातल थोड़ी हां। तो 2 मिनट च रिलीज ऑर्डर टाइप उन्हें करके साइन करते सी, जाओ लै लो मान। यही मैं इन्हां नूं कहना को तुसीं मेरे नाल गल करो, बह के सारे मुद्दे हल कर दो। तो सिखा तो कहोगे चाइना से कब्जा कर दो, तो तुम चाइना से कब्जा कर देंगे। ये ऐसी कौम है। कॉलेज थारे थोड़े मुद्दे हल करते, आ लो राइफलों तो जाके लद्दाख खो दो, तो ना खो के दईए तिब्बत तो साडा ना हटा दो, ऐसे भूतने गल पै जाएंगे, खो के ही आवांगे तिब्बत। वो तू साढ़े पंगे एवं साढ़े नाल ही पंगे लैणों नहीं हटते। पता नहीं हूज गाइडिंग दैम, इन्ना मिसट्रस्ट इन्हां नूं साडे ते किवें। जे असीं अंग्रेज़ां नाल रहे तो साडी पूजा करदे हो। अज तक मना रहे सारा गड़ी का, कल मना रहे लंडन च, परसों सरूट मारी सी ब्रिटिश आर्मी। तो असीं बड़ी टौर नाल नौकरी की ब्रिटिश दे नाल भी। ਆਪਾਂ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਬਹਾਦਰੀ ਨੂੰ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਾਕਫੀਅਤ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਅਸਲ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਜਾਂ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨਸ਼ਾ ਕੁਝ ਹੋਰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ। ਫਿਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਬਿਊਰੋਕ੍ਰੇਸੀ ਨੇ, ਬਿਊਰੋਕ੍ਰੇਸੀ इन्हां दा काम आपदा काम चलाना, तो आपदे हथ सरकार नूं मुट्ठी च रखना। तो ये तो बाहरों आउंदे ने, इन्हां नूं की पता है, तो असीं तो बड़े घैंट हाँ। ये उन्हां दे मन च शंके पाउंदे ने, शंके भी इन्हां नूं डरा के रखना कि सिखां तो बच के रहो। पहलां तो ये हुंदा सी सिख आर्मी चीफ नहीं बनाउणा कदी, सिख फलाणा नहीं बनाउणा, सिख ढिंगड़ा नहीं बनाउणा। कई साढ़े टॉप के जनरल जोड़े रिटायर किए, जोड़े चीफ बनने काबिल से, हूँ जो चीफ बनाए आर्मी के, तो कहते यार इन्होंने जिन्हों की वफादारी कोई नहीं, एक छड़ के दो बन गए कि ये तो बंदे बहुत वधिया ने, अभी तो एवं शक करते रहे। तो ये तो सारी लाइन ही दूजे पासे पाई हुई है सिखा की। एनीवे बिल्कुल पंजाब के मुख्य मसलों के उपर गलबात की है। पंजाब की जी मुख्य तौर पर राजनीति है, तो इसका भविष्य किस तरीके दे नाल हो सकता है, जिस तरीके दे नाल सत्ता विच आई आम आदमी पार्टी के वलों फैसले लिए जा रहे हैं, तो किते ना किते जिहड़े पंजाब दे नाल जुड़े हुए चिंतक ने उन्हां दे वलों सवाल भी किए जा रहे हैं कि आने वाले समय दे विच आम आदमी पार्टी पंजाब दे लोकां दीयां उम्मीदां दे उपर खरे उतर सकती है, ਜਾਂ किस तरह का भविष्य हो सकता है। पंजाब के नाल जुड़े हुए तमाम मसलों को लैके आने वाले समय के भी गलबात करांगे। धन्यवाद।